गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप सो बहुत बढ़िया हो, एंड आई होप सो कि आप लोगों की स्टडीज जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। माई सेल्फ डॉक्टर रवि जांगर वेलकम्स यू ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ CLC। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा DCM टेस्ट सीरीज जो है, JEE का हम लोगों ने टेस्ट सीरीज चला रखा है, उसका मेजर टेस्ट है ये। तो इसका सॉल्यूशंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के सॉल्यूशंस आप लोगों को यहाँ पे कराऊंगा, बाकी फिजिकल का जो सॉल्यूशन है वो TC गुप्ता सर वो आप लोगों के साथ उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया। बिल्कुल, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, आइडेंटिफाई करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड दे रखा है और उसमें मुझे क्या करना है, मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। देखो किस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, अगर मैं H को निकाल दूं और जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा मेरे साथ में, मेरे पास में, वो जितना ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब H इजीली वहां से बाहर निकलेगा। अगर मैं बात करूं, ये मुझे दे रखा है, मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बना रहा हूं, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये O माइनस होगा, यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे O माइनस, ये मैंने तीनों को हाइड्रोजन को हटा के इसका कॉन्जुगेट बेस बना लिया। अब देखो ये अगर मैं इधर देखूं, क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ये इधर चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, कार्बोनिल तक वो ऑक्सीजन जो है वो रेजोनेंस कर रहा है, पहुंच रहा है, ये भी रेजोनेंस करेगा लेकिन कार्बोनिल तक नहीं पहुंच पाएगा, ये तो बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं करेगा भैया। जो जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा मतलब वो उतना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, मतलब वो उतना एसिडिक हाइड्रोजन अपने पास में होगा। तो सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा अपने पास में? सेकेंड। सेकेंड के बाद में कौन आएगा? फर्स्ट। लास्ट में कौन आएगा? थर्ड। तो ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास में? सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास में। आगे बात समझ में? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच इज द करेक्ट मेजर प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो भैया, यहाँ पे मुझे NaH दे रखा है, जिसका काम क्या होगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा और यहाँ पे मेरे पास में न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा S-। ठीक है, एस माइनस बनेगा। अब ये एस माइनस के पास में दो पोजीशन है अटैक करने के लिए, या तो वो इस पोजीशन पे अटैक करे इस कार्बन पे, या फिर ये यहाँ पे अटैक करे। हम लोग देख लेते हैं कि कितना मेंबर रिंग बन रही है। अगर यहाँ पे अटैक करता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मेंबर रिंग बन रही है, और वहां पे अटैक करेगा तो 7 मेंबर रिंग हमारे पास में बनेगी। भैया कौन सी रिंग ज्यादा स्टेबल होती है? ऑब्वियसली 6 मेंबर। तो मैं 7 मेंबर रिंग तो नहीं बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि 6 एंड 7 यहाँ पे मेरे पास दोनों ही अप्रोचेबल है, दोनों ही इजीली अप्रोचेबल है, तो मैं एक स्टेबल रिंग बनाऊंगा, 6 मेंबर रिंग बनाऊंगा। और ये जो अटैक होता है वो एंटी अटैक होता है, बैक साइड से अटैक होता है, कि अगर मैंने ये जो सल्फर है वो वेज से अटैक करवाया तो ये जो ऑक्सीजन माइनस जाएगा, जो OH जाएगा भैया, वो किधर जाएगा? डैश पे जाएगा। ठीक है, एंटी रिंग ओपनिंग होती है। तो अगर मेरे पास में OH जो है वो अगर मैं वेज पे रख रहा हूँ, तो मतलब सल्फर ने किधर से अटैक किया होगा, सॉरी, ये OH अगर मैं डैश पे रख रहा हूँ तो सल्फर ने किधर से अटैक किया होगा? वेज के ऊपर। ठीक है ना, एंटी आएगा, लेकिन ये तो मुझे डैश पे ही दे रखा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये हो जाएगा कि सल्फर ने ऊपर से वेज पे अटैक किया है, तो OH जो है वो डैश के ऊपर हमारे पास आ गया, क्योंकि एंटी तरफ से रिंग ओपनिंग होती है। चलो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, मुझे हाइड्रोबोरेशन करवाना है। ठीक है, BH3H2O2NaOH ये सब दे रखा है, तो ऑब्वियसली एल्किन का हाइड्रोबोरेशन करवाना है। स्टीरियो के साथ में बताना है, तो बिल्कुल हम लोग भी स्टीरियो के साथ में ही बात कर लेते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं हम लोग? एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे, साथ में H और OH का सिन एडिशन होता है। ठीक है ना, ऑलरेडी मैकेनिज्म वगैरह आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो मैं जो CH3 है मेरा, वो मैं ले लेता हूँ भैया कहाँ पे, वेज के ऊपर। CH3 मैंने वेज के ऊपर ले लिया, मतलब यहाँ पे डैश पे कौन आएगा? H आएगा। यहाँ पे डैश पे कौन आएगा? OH आएगा। ठीक है, सिन एडिशन हुआ है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हुआ है, ये मेरे पास में बना A बन गया ये मेरे पास में। अब नेक्स्ट, टॉसिल क्लोराइड पिरिडीन दे रखा है भैया, कुछ नहीं, ये OTS बनाएगा। TSCL अगर मुझे दे रखा है तो मैं इसी स्ट्रक्चर में क्या बना दूंगा, OH की जगह एक अच्छा लिविंग ग्रुप जो है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप OTS मेरे पास में बन जाएगा, ये H और यहाँ पे OTS बन गया। आगे मुझे NaCN दे रखा है, DMF दे रखा है, SN2 रिएक्शन होगी, NaCN मुझे दे रखा है, तो ये क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा, SN2 रिएक्शन होगी, तो हमारे पास में जो साइनाइड है
वो अगेन वेज के ऊपर साइनाइड आ जाएगा, ये पूरे लिविंग ग्रुप को ये बाहर निकाल देगा, इस OTS को बाहर निकाल देगा। यहाँ पे मेरे पास में जो CH3 है वो भी किसके ऊपर है, वेज के ऊपर है। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास में? बिल्कुल, ये देखो फर्स्ट ही ऑप्शन है, सेकंड पॉसिबल नहीं है, ये सब स्टीरियो के साथ में किया है, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट चले हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट फॉर नाइट्रोजन इन सोडियम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये लसाइने एक्सट्रैक्ट या लसाइने टेस्ट, ये भी हम लोग कहते हैं भैया, क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन को हम लोग सोडियम के साथ में हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो हमारे पास में Na होता है प्लस कार्बन होता है प्लस नाइट्रोजन होता है, ये सबसे पहले NaCN बना लेता है, फिर हम लोग FeSO4, ठीक है, Fe+2 जो है वो इसमें ऐड करते हैं NaCN के साथ में, तो कंपाउंड हमारे पास में बनता है Fe4FeCN6, ठीक है, जिसका पर्सियन ब्लू कलर आता है, पर्सियन ब्लू कलर आता है, ये साइनाइड की वजह से। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वही साइनाइड बना पाएगा, ये बना लेगा, ये भी बना लेगा, ये भी बना लेगा, लेकिन ये नहीं बना पाएगा इसमें नाइट्रोजन। ये एक और कि जो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें डाई एजोनियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, N2 पॉजिटिव प्रेजेंट होता है, वहां से अगर जब हम इनको हीट करते हैं तो N2 गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाती है, वहां भी साइनाइड मेरे पास नहीं बन पाएगा, तो वो भी इस टेस्ट को नहीं देते। ठीक है, तो कार्बन नेसेसरी है, नाइट्रोजन नेसेसरी है, ये नहीं दे पाएगा, डाई एजोनियम टाइप के सॉल्ट है जिनमें N2 इजिली बाहर निकल सकता है, वो भी इस टेस्ट को नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे PCC मुझे दे रखा है, PCC क्या करेगा, PCC इसका ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा और ये मेरे पास में डबल बॉन्ड O बन जाएगा, यहाँ पे कीटोन बन गया। उसके बाद में I2NaOH दे रखा है, P2+P3 बन रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई मेरे पास, हेलो फॉर्म रिएक्शन हो गई, तो यहाँ पे मेरे पास में जो प्रोडक्ट है वो बन गया ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया मेरे पास C डबल बॉन्ड O माइनस Na पॉजिटिव। ठीक है, ये सॉल्ट बन गया, साथ में CHI3, इसका येलो PPT अलग हो गया। ओके, नेक्स्ट अब मुझे दे रखा है कि इसकी P2 जो है उसको हम लोग NaBH4 के साथ में और H+ देकर इसको हीट कर रहे हैं। अगर हम लोग इसको हीट कर रहे हैं और NaBH4 के साथ में रिएक्शन करवाना है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास में हो जाएगा COOH और यहाँ पे मेरे पास में है OH। क्यों? क्योंकि NaBH4 एसिड पे कोई रिएक्शन नहीं करता, NaBH4 एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन कीटोन को वो रिड्यूस कर देगा, किसमें, एल्कोहल में। और भैया आगे मुझे H+ हीटिंग साइन दे रखा है, तो ये एसिड है मेरे पास, ये एल्कोहल है, क्या बना दूंगा इसका मैं, एस्टर बना दूंगा। तो एस्टर जब मैं इसका फॉर्मेशन करूंगा एस्टर का, तो मैं इस तरीके से इसको शो कर सकता हूँ, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन है और ये एस्टर फॉर्मेशन कर दिया, जो कि मेरे पास यहाँ पे सेकंड नंबर पे दे रखा है। आ गई बात समझ में? ठीक है, रिडक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन, सब चीजें इसमें पूछ ली, साथ में एस्टरीफिकेशन भी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट कुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है। पहले हम लोग Cl2 जोड़ रहे हैं, FeCl3, ये टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन के साथ में अगर हम लोग, मैं सीक्वेंस वाइज यहाँ पे बना देता हूँ, टॉल्यूइन के ऊपर मैंने रिएक्शन करवाई CH3 और क्लोरीन जोड़ दिया, ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है, क्लोरीन पैरा पे भी जुड़ सकता है। ठीक है, बट एज सच अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे एक भी ऑप्शन पैरा का नहीं दे रखा, तो इसलिए मैंने ऑर्थो पे जोड़ दिया। उसके बाद में Na2Cr2O7 हीट H+, क्या करेगा ये, वही काम करेगा जो KMnO4 एसिडिक मीडियम में करता है, मतलब इस टॉल्यूइन को ये एसिड में चेंज करेगा। यहाँ पे मेरे पास में COOH बन जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन है, बन गया भैया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे PCl5 दे रखा है, PCl5 का काम क्या होगा,
PCl5 का होगा, यहाँ पे Cl और इधर COCl बना देगा, COCl बना दिया। आगे CH3OH है, CH3OH क्या काम करेगा, CH3OH, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा और हमारे पास एस्टर फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पे COOCH3 बच जाएगा, ये क्लोरीन यहाँ पे है। तो ऐसा कोई ऑप्शन मुझे दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें, ठीक है। सिंपल सा था, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन वगैरह की हम लोगों ने, पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई, उसके बाद ऑक्सीडेशन करवाया, उसके बाद में हम लोगों ने PCl5 से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई, और फिर हम लोगों ने अगेन सब्स्टिट्यूशन करके एसिड क्लोराइड को एस्टर में चेंज किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एंटीसेप्टिक क्लोरोक्साइलिनॉल इज क्या होता है भैया, क्लोरोक्साइलिनॉल पहले पता होना चाहिए तभी तो हम लोग उसका नाम लिख पाएंगे। ये होता है यहाँ पे OH, ये CH3, इधर CH3 और ये Cl, ये एंटीसेप्टिक की तरह काम में लिया जाता है, डिटोल वगैरह में भी ये कंपाउंड प्रेजेंट होता है। उसका मुझे क्या बताना है, इसका मुझे IUPAC नेम बताना है। तो IUPAC नेम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं नंबरिंग यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो सबसे पहले कौन है, फोर पे क्लोरो है, 3-5 पे डाइमिथाइल है एंड फिनॉल है, भैया यही हो जाएगा, 4 क्लोरो 3 और 5 पे डाइमिथाइल एंड फिनॉल, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल था लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी हमें याद होना चाहिए कि ये क्या है। तो ये क्या है, IUPAC को साथ में मिक्स कर दिया, किसके साथ में, हमारा केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ के साथ में, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन कई आजकल ट्रेंड में है, पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राई एंड परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट, ड्राई भी होना चाहिए साथ में परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट भी होना चाहिए, भैया H2O2, वैसे तो ये सारे ही हमारे पास में ब्लीचिंग एजेंट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमसे ड्राई भी पूछा है, ये कैसे करेगा, ये H2O प्लस ऑक्सीजन लिब्रेट करेगा, तो ये ड्राई थोड़ी है, ये तो वेट है, मतलब ये नहीं हो सकता, Cl2 वाटर पहले से वाटर दे रखा, नहीं हो सकता, Na2O2 ये भी करता है लेकिन ये भी वेट कंडीशन में, मतलब H2O के साथ में देगा और साथ में परमानेंट नहीं हो सकता। ओजोन जो है भैया, ये मेरे पास में O2 प्लस O बनाएगा, पहली चीज कि भैया एकदम ड्राई है, ठीक है, वाटर कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, दूसरा परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट है, तो मेरा आंसर क्या होगा, O3। चले हम लोग आगे, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन Xe एंड H2O क्लेट्रेट्स नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन देम विल बी, सबसे पहले तो ये समझो कि क्लेट्रेट कंपाउंड होते क्या है, व्हाट आर क्लेट्रेट कंपाउंड, सिंपल सा है, क्लेट्रेट कंपाउंड्स भैया उन्हें कहते हैं हम लोग जहां पे क्रिस्टलाइन कोई स्ट्रक्चर होता है उसमें बीच बीच में इंटरस्टिशियल स्पेसेस में कोई अगर एटम, छोटा एटम जो है वो कहीं पे अगर वहां पे एडजस्ट हो जाए उन स्पेसेस के अंदर बीच में आ जाए तो उसे हम लोग क्लेट्रेट कंपाउंड कहते हैं। तो वाटर जो है वो क्लेट्रेट कंपाउंड बनाता है, जीनॉन के साथ में बनाता है, जीनॉन जो भी उसका केज लाइक स्ट्रक्चर है उसमें बीच में कहीं भी इंसर्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो जीनॉन और H2O का जो क्लेट्रेट्स है उसके बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, अब देखो Xe क्या है, इनर्ट गैस है, कुछ डाइपोल वगैरह है इसका नहीं, ये तो एक सिंपल एटम है तो इसका डाइपोल क्या होगा, जीरो। H2O की बात करूं तो ये क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें डाइपोल मोमेंट होगा, तो इन दोनों के बीच में ये जो होगा ये क्या करेगा, इसका जो डाइपोल होगा वो इसमें जब जीरो है इसका तो इसमें इंड्यूस करेगा, इसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करेगा तो इसमें क्या बनेगा, इंड्यूस डाइपोल। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, किस टाइप का अट्रैक्शन होगा यहाँ पे, इंड्यूस डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा इसमें था नहीं, ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो था, इसमें मॉलिक्यूल में कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट है तो ये क्या कर रहा है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक डाइपोल मोमेंट की तरफ इंड्यूस कर रहा है, इसमें जनरेट कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से, तो इसे हम लोग कहते हैं इंड्यूस डाइपोल डाइपोल। चले हम लोग आगे, नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट चेंज इन द बॉन्ड एंगल व्हेन एन इज चेंज इन Ab2Ln, ओके, टाइप मॉलिक्यूल, ए इज सेंट्रल एटम, बी इज बॉन्डेड एटम, एल इज लोन पेयर, मतलब Ab2 मुझे दे रखा है यहां पे, Ab2Ln टाइप का मॉलिक्यूल दे रखा है यहां पे, ए बी
टू एल एन, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे ए मेरे पास सेंट्रल एटम है, बी साइड का एटम है और एल क्या है, नंबर ऑफ लॉन पेयर। भैया सिंपल सी बात है, अगर बॉन्ड एंगल की बात करूं मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, ए है मेरे पास, ये बी है, यहाँ पे लॉन पेयर कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी नंबर हो सकते हैं वो हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पता कि मैं नंबर ऑफ लॉन पेयर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो ये क्या होगा, रिपल्शन होगा, यहाँ पे जितने भी लॉन पेयर होंगे उनके बीच में रिपल्शन होगा, ठीक है। एक लॉन पेयर है या दो लॉन पेयर, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होके ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू जीरो अगर है, कोई लॉन पेयर नहीं है, फिर n इक्वल्स टू वन है तो क्या होगा, ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब बिल्कुल भी नहीं है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ए बी बी टाइप का ऐसा होगा। जब मैं लॉन पेयर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इसमें तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ए बी और ये लॉन पेयर, ठीक है। 120 से थोड़ा सा कम इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा जो पहले 180 है, और फिर मैं एक और लॉन पेयर अगर उसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये दो लॉन पेयर, रिपल्शन होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, जो कि हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते थे, 104 के आसपास, 105 के आसपास इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो देखो n इक्वल्स टू 0 है, डिक्रीज होगा, सही बात है, फिर बढ़ाया हम लोगों ने, फिर डिक्रीज होगा, और 0 पे जा रहा हूं तो इंक्रीज होगा। ऐसा और किसी में मुझे ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ लॉन पेयर इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, सिंपल सी कहानी है। नेक्स्ट देखते हैं भैया हम लोग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, कहां पे मेरे पास फर्स्ट आयनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला क्या दे रखा है, मुझे X2 दे रखा है गैसियस फॉर्म में, ये तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे X2 को 2X में चेंज करने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा, सॉलिड से गैसियस, भैया मुझे सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा, एक्वस से एक्वस, नई आयनाइजेशन एनर्जी, तो हम लोग कहते हैं गैसियस, आइसोलेटेड गैसियस एटम जो होता है उससे हम लोग एक आयन बनाते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम से। तो देखो भैया, फोर्थ वाला मुझे दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक आइसोलेटेड गैसियस एटम मुझे दे रखा है, ठीक है, तो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिएक्शन विच इज रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ Cl2, कि Cl2 कौन प्रिपेयर नहीं करेगा, एक तरीके से मुझसे यही पूछा है। अगर मैं फर्स्ट वन में देखूं तो मेरे पास में MnO2 है भैया, ये इसके साथ में NaCl के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो ये खुद चेंज हो जाता है Mn+2 के अंदर, Mn+2 में चेंज हो जाता है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो क्लोरीन का क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, Mn+2 + Cl2 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, तो क्लोरीन बन रही है हमारे पास में। सेकंड वाला HCl + O2, ये तो सिंपल सी रिएक्शन है, H2O + Cl2 बनाता है, ठीक है। थर्ड वाला KClO3, इसे हम लोग हीट कर रहे हैं, ये बनाते हैं KCl + RiceO2 बन जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन नहीं बन रही। अगला वाला KCl + H2O मुझे दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइसिस दे रखा है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो मुझे H2 मिलेगा कैथोड पे, Cl2 मिलेगा एनोड पे, सॉल्यूशन में बचेगा KOH, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, यहाँ पे OH- से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो इजीली पहले जाके डिपॉजिट होगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है क्लोरीन का वो कम है, OH- का ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन डिपॉजिट होगा एनोड के ऊपर, इधर H2 मुझे मिलेगा। तो मतलब मेरा आंसर कौन सा हो गया भैया, थर्ड आंसर हो गया, यहाँ पे मुझे क्लोरीन नहीं मिल रही, बाकी सब में मुझे क्लोरीन मिल रही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड कंपाउंड इज डाई मैग्नेटिक, ये सारे के सारे कलर्ड है और कौन सा डाई मैग्नेटिक है। डाई मैग्नेटिक है मतलब मेरे पास में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, मेरे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो देखें इसे, सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें मेरे पास में कॉपर जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में है, और +2 में है तो ये हो जाएगा D9 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा भैया, ये तो पैरा मैग्नेटिक हो गया, कैसा हो गया, ये पैरा मैग्नेटिक हो गया। नेक्स्ट देखता हूं मैं Mn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे मेरे पास +2 में है, Mn+2 में क्या होता है, D5 होता है, ये भी पैरा मैग्नेटिक हो गया। नेक्स्ट वन देखूं मैं यहाँ पे Cr +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो भैया ये 0 है, कैसा हो गया, डाई मैग्नेटिक हो गया।
नेक्स्ट मैं देखूं VOSO4, वी कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस फोर, क्योंकि सल्फेट है ऑक्साइड है तो प्लस फोर हो जाएगा, प्लस फोर है तो यहाँ पे ये D1 आएगा। D1 मतलब अगेन ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, अगेन पैरामैग्नेटिक है, तो मुझसे तो डाइमैग्नेटिक पूछा है, थर्ड आंसर आ जाएगा भैया ये डाइमैग्नेटिक होगा, सिंपल। चले हम लोग आगे, नेक्स्ट कंपाउंड ये दे रखा है, हैज थ्री आयनाइजेशन आइसोमेरिक फॉर्म, HCN है एक, एक क्लोरीन है, एक NO2 है, एक एक करके हम लोग तीनों को एक बार HCN को, एक बार Cl को, एक बार NO2 को बाहर रख सकता हूं, तो तीन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म फॉर्म इसकी बन जाएगी, आइसोमेरिक फॉर्म बन जाएगी, करेक्ट है। हैव लिंकेज आइसोमेरिज्म, भैया NO2 है तो या तो NO2 जुड़े या ONO जुड़े, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है, करेक्ट बात है। टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म देख लेते हैं, अगर ये स्ट्रक्चर हमें दे रखा है तो हम लोग क्या बना सकते हैं, CO बना सकते हैं, इधर मैंने NO2 और Cl, यहाँ पे NO2, यहाँ पे Cl रखा, EN को यहाँ पे बीच में रखा, एक तो मैंने ये बनाया जिसे मैं क्या कह सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि NO2 और Cl के बीच में कितना है, 180 डिग्री का एंगल है, एक मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, CO है मेरे पास में, इसी तरीके से यहाँ पे मैं EN को रख लेता हूँ, एक EN मैं इधर रख लेता हूँ, ये NO2 और ये Cl, भैया अभी यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये फॉर्म कौन सी है मेरे पास में, सिस फॉर्म है, तो बिल्कुल ज्योमेट्रिक आइसोमेरिक फॉर्म शो कर रहा है, ये बात भी सही हो, दो बन रहे, एक सिस बन रहा है, एक ट्रांस बन रहा है, इनके अलावा और कोई नहीं बना सकते आप। थ्री स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म, यहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाएगी, लेकिन क्या इसमें लगा सकते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नहीं भैया, तो ये होगा साथ में इसकी मिरर इमेज होगी, तो कितने स्टीरियो आइसोमर बन रहे, तीन बन रहे, तो मतलब सारे ही सही है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा अपने पास में, ABCD सब करेक्ट है भैया इसमें, ठीक है। ये TC गुप्ता सर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इंटीजर टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला, द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर फिनॉल डेरिवेटिव इफ द नंबर ऑफ, क्या देखना है हमें, इफ द नंबर ऑफ फिनॉल डेरिवेटिव आर एक्स, नंबर ऑफ फिनॉल डेरिवेटिव गिव पॉजिटिव टेस्ट विद NaHCO3 इज इक्वल्स टू वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हमें देखना है कि फिनॉल के डेरिवेटिव जो है वो कितने हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही देख लेता हूँ, ये फिनॉल का डेरिवेटिव है, ये भी 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 है, सब में बेंजीन के साथ में OH लगा हुआ है, तो सारे ही क्या है, फिनॉल के डेरिवेटिव है, कितने हो गए ये नंबर में मेरे पास, 0, 6 हो गए भैया, ठीक है, ये तो x की वैल्यू हो गई मेरे पास। नंबर ऑफ फिनॉल डेरिवेटिव गिव पॉजिटिव टेस्ट विद NaHCO3, NaHCO3 के साथ में पॉजिटिव टेस्ट कौन देता है, जब एक स्ट्रॉन्ग विदड्रॉइंग ग्रुप फिनॉल के साथ में जुड़ा हो, जनरली NO2 की बात करते हैं हम लोग, तो एक तो ये दे देगा NaHCO3 के साथ में टेस्ट, ये बाकी नहीं देंगे, ये भी नहीं देगा, ये दे देगा पिक्रिक एसिड, बिल्कुल दे देगा, ये भी नहीं देगा, तो मतलब कितने दे रहे हैं, दो दे रहे हैं, टोटल कितना हो गया, 0, 8, यही पूछा है आप लोगों से, ठीक है, यही तो पूछा है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 0, 8 हो जाएगा। चले हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, क्या बोल रहा है हमें यहाँ पे कि ये एक कंपाउंड दे रखा है, ये कंपाउंड दे रखा है और इसमें मुझे क्या करना है, H2PDCaCO3 क्विनोलिन इसके साथ में रिएक्शन करवानी है, तो ये कौन सा रिएजेंट है, लिंडलार कैटलिस्ट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का क्या बनाएगा, सिस एल्कीन बनाएगा, हर जगह ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तीनों ही जगह क्या बनेगा, सिस एल्कीन, सिस एल्कीन, सिस एल्कीन, क्या यहाँ पे इस स्पाइरल सेंटर पे कोई इफेक्ट होगा, नहीं, ना ही यहाँ पे होगा, ना ही यहाँ पे होगा, तो भैया ये तो एज इट इज वैसा ही रहेगा जैसा प्रोडक्ट में, साथ में ये तीनों भी सेम बन गए, सिस एल्कीन बन गई, तो नंबर ऑफ आइसोमेरिक ऑब्टेंड इन दिस प्रोडक्ट केवल एक ही बन पाएगा, एक ही पॉसिबल होगा, ठीक है, जहां पे ये सिस 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 फॉर्म में होगा, इधर कुछ हम लोग चेंज कर नहीं रहे, तो केवल और केवल एक ही आइसोमर मेरे पास में बनेगा और कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जब ये रिएजेंट दे रखा है तो मैं ट्रांस तो बना नहीं सकता, केवल सिस ही बना सकता हूँ, स्टीरियो पे बाकी सब कुछ सेम है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट कॉमन टू बोथ cis and
सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन के लिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन नहीं है, मतलब एक तो इसकी बात कर रहा है हमारे साथ और एक ट्रांस की बात कर रहा है, एक सिस की बात कर रहा है। इनका बॉइलिंग पॉइंट भैया बिल्कुल अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट दोनों का डिफरेंट होता है। और किसका ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास में सिस का ज्यादा होता है। किसके लिए? बॉइलिंग पॉइंट के लिए सिस इज मोर देन ट्रांस। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट भी सिस का हमारे पास ज्यादा होता है, मतलब सेम नहीं है, डिफरेंट है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात करें हम लोग तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है वो भी हमारे पास में जो होता है सिस का ज्यादा होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, प्रोडक्ट में तो दोनों ही क्या बनाएंगे, ये भी ब्यूटेन बनाएगा, ये भी ब्यूटेन बनाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या है? सेम है। तो मुझसे ये पूछा कि कॉमन नहीं है, ये तो कॉमन है, कितनी प्रॉपर्टीज कॉमन नहीं है? 3 प्रॉपर्टीज कॉमन नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? 0-3। बात क्लियर है? नेक्स्ट, ये सारे आप टीसी सर के साथ देखेंगे, ठीक है भैया। तो ये हमारा मेंस का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ, अभी हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे, एडवांस का सॉल्यूशन भी जरूर देखना। हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीसी गुप्ता, टीम केमिस्ट्री, टीम सीएलसी। तो हम सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं, फिजिकल का जो पोर्शन है वो क्वेश्चन स्टार्ट है 15 से। तो 15 क्या कहता है, इन ए क्लोज कंटेनर 1 atm प्रेशर, प्रेशर कितना है 1 atmosphere प्रेशर, 2 moles ऑफ SO2 एंड 1 mole ऑफ O2 वर अलाउड टू रिएक्ट एंड फॉर्म SO3। 2 moles ऑफ SO2 रिएक्ट विथ 1 mole ऑफ O2 एंड प्रोड्यूस 2 moles ऑफ SO3 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैटलिस्ट। द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर एट इक्विलिब्रियम, इट वॉज फाउंड एट 50% ऑफ SO2, इट मीन्स एल्फा कितना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 50% एल्फा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का जो पार्शियल प्रेशर हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। अगर हिंदी में बात करें तो एक बंद पात्र में 1 atm प्रेशर पर SO2 के 2 mole तथा O2 का 1 mole आपस में अभिक्रिया करके SO3 बनाते हैं और एल्फा 50% है, तो O2 का आंशिक दाब क्या होगा? तो आंशिक दाब का सूत्र क्या होता है, मोल भिन्न गुणा कुल दाब, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो देखो सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, रिएक्शन क्या है, 2 SO2 गैस रिएक्ट विथ O2 गैस एंड प्रोड्यूस SO3, क्लियर, ठीक है। इनिशियली क्या क्या है, 2 moles ऑफ SO2, t equal to 0 है इनिशियल में, SO2 के 2 mole है एंड 1 mole ऑफ O2 का 1 mole है, SO3 के 0 है। अब अल्फा है 50%, इट मींस 50% क्या होता है, डिसोसिएट होता है, तो 2 mole का 50% यानी हाफ करना अपने को, तो 2 का हाफ कितना होता है, 1 होता है, तो 2 में से 1 रिएक्ट करेगा, क्लियर। अब देखो इसका 2 mole रिएक्ट करते हैं तो इसका 1 करता है ना, तो इसका 1 करेगा तो इसका कितना करेगा, 1 में से 0.5 रिएक्ट करेगा और बचेगा कितना, 1 - 0.5 वहां बच जाएगा, ठीक है। इसके 2 mole से SO3 के 2 mole बन रहे हैं, इट मींस 1 से कितना मोल बनेगा, 1 बनेगा। अब क्या करना है हमें, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 यानी रिमेनिंग मोल की बात करें तो SO2 के रिमेनिंग मोल होंगे 1, ठीक है, O2 के कितने होंगे 0.5 और SO3 के मोल होंगे 1। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है, निकालना है बेटा। तो क्या होगा, O2 की मोल फ्रैक्शन, O2 के मोल भिन्न क्या होगा, O2 के मोल कितने हैं 0.5 अपॉन टोटल मोल कितने हैं बोलो, 1 + 1 + 0.5 2.5 है, इनटू टोटल प्रेशर गिवन है, कितना गिवन है 1 atm 1 atmosphere, तो मल्टीप्लाई कर दे 1 से, तो क्या हो जाएगा 1/5 इनटू 1, इट मींस कितना हो गया 0.2 atm, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है,
तो 16 की हम बात करें, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन एटम इन ए सिंपल क्यूब, साधारण सरल घनीय संरचना में कुल आयतन का परमाणु द्वारा घिरे गए आयतन का कितना भाग होगा, ठीक है, यानी एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। जो सिंपल क्यूबिक एससी की बात कर रहे हैं, तो एससी में पता है कि एटम कहाँ होते हैं, ओनली कॉर्नर्स पे, कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे, और एक कॉर्नर पे उसका 1/8 पार्ट क्या होता है, इनसाइड यानी एक्चुअल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो वन कॉर्नर पे 1/8 पार्ट होगा, तो नंबर ऑफ कॉर्नर होते हैं 8, ठीक है, तो कितना पार्ट, एटम कितने हो गए, 8 × 1/8, इट मीन्स 1/8 पार्ट एक कॉर्नर पे आएगा, और नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, 8 है, तो 1 एटम हो गया। तो बात करें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, तो कितने एटम है बेटा, 1 एटम है, 1 एटम का वॉल्यूम क्या होगा, 1 × 4/3 πr³ अपॉन, अब बात क्या कर रहा है, देखो समझो, इसमें सिंपल क्यूबिक में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इट मींस अपॉन क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, परमाणु का आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन। तो एक एटम है, एक परमाणु है, तो एक का आयतन कितना हो गया, 4/3 πr³। और सिंपल क्यूब अगर एज लेंथ ए है, भुजा की लंबाई ए है, तो आयतन कितना हो गया, a³, ठीक है। और ये फ्रैक्शन पूछ रहा है, और फ्रैक्शन में हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्लियर। अब सिंपल क्यूबिक के लिए हमें पता है कि a इक्वल टू क्या होता है, 2r, क्या होता है, 2r होता है, तो वैल्यू पुट कर दे हम, तो क्या हो जाएगा, 4/3 × π × r³, और a इक्वल टू 2r है, तो 2r का क्यूब क्या होगा, 2r का क्यूब होगा 8 × r³, रख दें यहां पे, तो 8r³ कैंसिल कर दे r³ से, r³ कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम ये चल जाएगा, तो क्या आएगा आंसर इसका, π/6, π/6 कौन सा ऑप्शन, अपना ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट, क्लियर बेटा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, तो 17 देखो, 17 है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी v इज फाउंड टू हैव ए सर्टेन वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, द वेलोसिटी टू बी पजेस बाय द न्यूट्रॉन टू हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ दोनों की सेम है, तो उसकी न्यूट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, अगर हिंदी में बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का वेग v है, जिसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान एक निश्चित मान पाया गया है, समान डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य रखने वाले न्यूट्रॉन का वेग ही क्या होगा, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होता है, बात करें तो लैम्डा इक्वल टू होता है h/mv, जहां पे लैम्डा तो क्या है, वेवलेंथ है तरंग दैर्ध्य जिसके बारे में बात हो रही है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक का नियतांक है, m है मास ऑफ पार्टिकल, v है वेलोसिटी, ठीक। तो दोनों का क्या है, वेवलेंथ क्या है, सेम है, क्या है, सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्लियर, इट मींस लैम्डा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लैम्डा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की वेवलेंथ सेम है, क्लियर बेटा। इट मींस क्या होगा, एच प्लैंक कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसने माना है वी वेलोसिटी, एक इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, वी है, तो इसको वी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इक्वल टू एच अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, h से h कैंसिल कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन।
अब देखो मैं पता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मास रेशियो था 1.837, अब 1.837 ऑप्शन में है ना 1.840 है, तो क्या हो जाएगा V अपॉन क्या जाएगा 1.840, बिकॉज हमें पता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो होता है 1.837 टाइम होता है। क्लियर, ऑप्शन में 1.840 है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1.84, और वैसे भी ये प्रोटॉन के लिए हम निकालते हैं 1.837, तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया V अपॉन 1.840। अब बात करते हैं क्वेश्चन 18 की। क्वेश्चन 18 की बात करें तो ध्यान देना, इफ क्लोरीन गैस इज 70 mole% डिसोसिएटेड, इट मींस अल्फा है आपका 70% या बात करें तो 0.7। क्लियर, टेम्परेचर है 2000 केल्विन, प्रेशर है 1 atm, टू फॉर्म एटॉमिक क्लोरीन, इट मींस रिएक्शन क्या होगी, Cl2 गैस से क्या बनेगा, डिसोसिएट होके एटॉमिक क्लोरीन 2Cl गैस। क्लियर, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर की डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, मिक्सचर में ओनली क्या है गैस, अगर हिंदी में बात करें तो 2000 केल्विन तापमान है, 1 atm प्रेशर है, क्लोरीन गैस का अल्फा है 70% 0.7, क्लोरीन परमाणु में वियोजित होती है, तो गैसों के मिश्रण का घनत्व होगा, तो गैसों में घनत्व का सूत्र क्या होता है बोलो, पी इक्वल टू क्या होता है डी आर टी अपॉन एम, पी है प्रेशर ऑफ गैस, डी क्या है डेंसिटी ऑफ गैस, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, और एम क्या है मोलर मास। अभी मोलर मास किसका आएगा, मिक्सचर का, यानी एम नोट आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर, तो यहां से डेंसिटी क्या हो गई, अगर हम बात करें तो डी इक्वल टू क्या हो गया, डी इक्वल टू पी इंटू एम नोट अपॉन आर इंटू टी। अब अपने पास वैल्यू किस किस की है, प्रेशर की वैल्यू है कितनी है 1 atm, एम नोट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, आर हमें पता है, टी है 2000, तो एम नोट निकाल एक बार हम। ठीक है, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आयोटा क्या होता है, 1 + α (n-1), और ये किसके इक्वल होगा, एम टी थियोरेटिकल मोलर मास एंड एम नोट ऑब्जर्व मोलर मास, जो हमें वहां रिक्वायर्ड है। ठीक बेटा, तो यहां से देखो 1 + α की वैल्यू कितनी है 0.7, और n हमें पता है n होता है सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो 2/1 क्या हो गया, 2 हो गया n की वैल्यू। हिंदी में बात करें तो उत्पाद के रस समीकरण मितीय गुणांकों का योग अपॉन क्रियाकारक के रस समीकरण मितीय गुणांकों का योग 1 है, तो n की वैल्यू है यहां पे 2 upon 2/1 इक्वल टू एम टी है थियोरेटिकल मोलर मास, तो Cl2 इनिशियली हमने क्या लिया Cl2 गैस ली, तो क्लोरीन का Cl2 का थियोरेटिकल जो मोलर मास वो कितना होता है, एटॉमिक मास होता है 35.5, तो यहां पे 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 71 upon m नोट। तो यहां से देखो एम नोट कितना आ गया, एम नोट की वैल्यू हो गई 71 upon एम नोट यहां ले रहा हूं तो ये कहेगा 1.7 हो गया, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो अपॉन 1.7। अब एम नोट की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, बाकी सब वैल्यू थी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं, तो D इक्वल टू हो गया प्रेशर कितना है, प्रेशर 1 atm है तो 1 रख दो, M नोट की वैल्यू कितनी है 71 अपॉन
1.7। आर की वैल्यू लीटर एट मोस्ट में क्या लेते हैं, 0.082 ले लो, या 1.12 भी हम ले सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो हम क्या कर देंगे, आर की वैल्यू 1/12 ले लेते हैं। टेम्परेचर कितना है, 2000 केल्विन, ठीक है, तो टी आ जाएगा यहाँ पे 2000, क्लियर, ठीक है। 0.7 कोटा देते हैं यहाँ से 10 से, ठीक बेटा, और 2 है तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे है 17 और 17 डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेट जाएगा 4 अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 4 हो गया, तो कितना हो गया, 6 × 4 24, और 24 अपॉन 100 क्या होगा, 0.24। 0.24 के आसपास ऑप्शन देखो, 0.24 के आसपास अपने पास एक ही ऑप्शन है 0.25, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.25। और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर लीटर, क्लियर बेटा। तो आंसर क्या हो गया अपना, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन 19 की। ठीक है, तो क्वेश्चन 19 की बात करें, 19 पढ़ते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaCO3 इज देयर इन 200 ml, तो वॉल्यूम है, और स्मॉल m सिंबल किसका है, मोलैलिटी का, किसका है, मोलैलिटी। क्या होता है मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्वेट इन केजी। हिंदी में बात करें तो मोललता, विलेय के मोल बटे विलायक का भार केजी में। तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaCO3 आर इज देयर इन 200 ml 2m सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर ml, ठीक है, 200 ml 2m CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के विलयन में कितने ग्राम CaCO3 उपस्थित है, विलयन का घनत्व अपने पास है। तो देखो मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, क्लियर बेटा। मोलैलिटी की वैल्यू कितनी है, 2 है। मोल्स ऑफ सोल्यूट हम क्या मान लें बेटा, एन मान लेते हैं, तो एन मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए सोलवेंट का वेट। अब अपने पास क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन की डेंसिटी है, ठीक है, और सोल्यूशन का वॉल्यूम, तो क्या क्या देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 200 ml, क्लियर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विलयन का घनत्व है 1.4 ग्राम पर ml, ओके बेटा। अब हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन है वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से अपने पास वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर बेटा। तो ये हो गया 200 × 1.4, ठीक है, यूनिट ml है, ये ग्राम पर ml है, तो ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा बेटा, ठीक है। अगर इसको सोल्व करें तो कितना हो गया, ये 280, कितना हो गया, 280 ग्राम हो जाएगा भाई। पॉइंट है तो 10 से पॉइंट बढ़ा दें, और 14 का डबल 28, ठीक बेटा, तो 280 ग्राम हो गया। अब ये वेट आया है किसका, सॉल्यूशन का, हमें रिक्वायर्ड किसका है, सॉल्वेंट का, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट की वेट के लिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में से सोल्यूट का माइनस कर दें। तो देखो सोल्यूशन का है 280, क्लियर, माइनस सोल्यूट कितना होगा, सोल्यूट के एन मोल है, और एन मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वेट होगा, मोलर मास से क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई, मोलर मास कितना है, 100 है, तो माइनस 100 एन कर देते हैं, और ये आया है किसमें,
ग्राम में, और ग्राम को केजी में करने के लिए इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? इसको हम सोल्व कर ले हम, ठीक है। तो ये काम करते हैं, 1010010 उड़ा देते हैं बेटा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 28 − 10 × n = 100 × n। कोई दिक्कत बेटा? कितना हो गया, 56 − 20n = 100n। n की वैल्यू यहाँ पे आ गई 56 अपॉन, देखो माइनस का 20n उधर जाके क्या प्लस का 20 होगा, तो 120, ठीक। अब ये तो क्या है, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या पूछ रहा है, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaCO3, ग्राम में वेट, तो मोल है, तो ग्राम में वेट निकालने के लिए मोलर मास 100 से क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर लें इसको सोल्व, 10 से 10, ठीक है, 12 4 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसा है, कोई स्टार्ट है 4 से, ये स्टार्ट है, ठीक है। कितना बचेगा, 8 बचेगा, 6 टाइम जाएगा, 46 हो गया, और 46 पॉइंट समथिंग आएगा, और 46 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर अपना 2 ही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 क्वेश्चन, सेक्शन ए का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 20 हम पढ़ते हैं, 20 है, कैलकुलेट मास ऑफ Hg2Cl2 विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ HgCl2, HgCl2 के रिडक्शन से क्या फॉर्म हो रहा है, Hg2Cl2। क्लियर बेटा? रिडक्शन देखो, यहाँ पे प्लस 2 ओएन है, यहाँ प्लस 1 रिडक्शन हो गया, बाय द पास ऑफ करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट 5 एम्पियर है और ड्यूरेशन है 3 आवर, और एटॉमिक वेट ऑफ मर्क्यूरी है 200, ठीक है। Hg2Cl2 का वह द्रव्यमान ज्ञात करो जो कि 5 एम्पियर धारा को 3 घंटे तक, 5 एम्पियर धारा को 3 घंटे तक प्रवाहित करने पर Hg2Cl2 के अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एटॉमिक वेट ऑफ Hg मर्क्यूरी का एटॉमिक वेट है 200 ग्राम, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन बना है फेराडे के नियम से, और फेराडे का नियम क्या कहता है, W = EIT/96500, यही होता है वेट। W क्या है, जो वेट हमें कैलकुलेट करना है, या वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट एट द, या वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, ठीक है। E है इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर, तुल्यांक की बार बात करनी है, I है करंट धारा, T है समय। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, पहले वैल्यू करते हैं E की, E क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर, ठीक है। तो किसका अमाउंट निकालना है, Hg2Cl2 का, तो इसका मोलर मास कितना हो गया, देखो मर्क्यूरी के 2 एटम है, 1 का 200 2 का 400, और Cl2 का 35.5 × 2 यानी 71, तो जाएगा 471 हो गया बेटा, ठीक। करंट कितनी है, सॉरी ये तो E की वैल्यू नहीं, मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर। अब इसका VF क्या होगा, चेंज इन ON पर मॉलिक्यूल, प्रति अणु ON में परिवर्तन। अब इसके एक मॉलिक्यूल में Hg के कितने एटम है, 2 है ना, तो 2 के लिए आपको टोटल चेंज देखना पड़ेगा VF वैलेंस फैक्टर के लिए। तो 1 का ON कितना है, प्लस 1 है, तो 2 का प्लस 2 है बेटा। यहां पे बात करें तो 1 का प्लस 2 है, तो 2 का प्लस 4 है, तो कितना चेंज आया, 2 × 4, 2 का चेंज इन ON पर मॉलिक्यूल, प्रति अणु ON में परिवर्तन, 2 का चेंज आ गया बेटा, तो VF 2 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट मोलर, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर, तुल्यांक की बार क्या होता है, अणु बार बटे वैलेंस फैक्टर। I की वैल्यू है, करंट कितनी है, 5, टाइम है 3 आवर, आवर को क्या चेंज करना है, सेकंड में, तो क्या करेंगे, सेकंड के लिए 60 मिनट में हो गया, अगेन 60 सेकंड में आ गया, अपॉन क्या कर देंगे, 96500 फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू।
इसको हम सिंपली क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। ठीक बेटा, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 132 ग्राम। क्लियर बेटा? तो 132 आपको ऑप्शन नंबर वन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन डी की, बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है, इंटीजर वाले क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिजिकल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर है, द मोलर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। एनओ टू की जो फॉर्मेशन की एंथैल्पी है वो है 32, यूनिट है किलोजूल, और एनओ की है 90। ठीक है, डेल्टा फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए क्या निकालना है, डेल्टा एस नोट, यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या निकालना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और अपने पास फॉर्मेशन की एंथैल्पी है। हिंदी में बात करें तो नाइट्रोजन के दो ऑक्साइडों की संभावन मानक मोलर एंथैल्पी के मान दिया हुआ है, NO2 का 32 है बेटा किलोजूल में और NO का 90 है। तो इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एस नोट क्या होगा, तो देखो जब भी हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो, निर्माण की मानक एंथैल्पी हो, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है डेल्टा एच एफ नोट, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लें, प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कितने बता प्रोडक्ट की, ए की मोल है ना, तो 90 माइनस रिएक्टेंट क्या है, अब देखो O2 भी है और O2 एलिमेंट है, और जो नेचर में एलिमेंट है स्टेबल फॉर्म में O2 गैस ही है ना, तो उनकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है निर्माण की मानक जो एंथैल्पी है वो क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं बेटा, तो इसकी जीरो हो गई, इसलिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो 90 माइनस यहाँ क्या है NO2, 32, ये कितना आंसर आ गया बेटा, 58 किलोजूल आपका आंसर आ गया। क्लियर, तो 58 आपका आंसर आ गया फाइनल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इन द एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम हाउ मेनी लाइन कैन बी अकाउंटेड बाय ऑल पॉसिबल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन फाइव लोवेस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, एच परमाणु के उत्सर्जन के स्पेक्ट्रम में एक ही परमाणु में पांच न्यूनतम ऊर्जा स्तरों के मध्य सभी संभव संक्रमणों के लिए कितनी रेखाएं बनेगी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आता है तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन क्या आता है 2। अब यहाँ पे देखो N2 और N1 की वैल्यू कहाँ से लें, क्या कह रहा है, फाइव लोवेस्ट लेवल यानी पांच की बात कर रहा है, यानी कहाँ से आएगा, N2 की वैल्यू हो गई 5 और N1 की हो गई कितनी 1, तो वैल्यू पुट कर दे हम। ठीक है, तो 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन क्या करना है 2। क्लियर, तो 5 माइनस 1 क्या हो गया 4 इंटू 5 अपॉन, आंसर क्या आ गया बेटा 10। क्लियर, तो यहां मेन का सॉल्यूशन फिनिश करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, जय सीएलसी।